हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल योर न्यू डायरेक्शन में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही बम्पर भर्ती, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में आई हुई है बहुत ही बड़ी भर्ती। तो उस सब चीजों का, इसकी जितनी भी बेसिक डिटेल्स है, कब से आवेदन है, क्या फीस है, कितने पद है, सब चीजें आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखते रहिएगा। अगर आप आए हुए हैं चैनल पर नए तो चैनल को कर लीजिए तुरंत सब्सक्राइब और दबा लीजिए बेल आइकन को इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में आई हुई ये बम्पर भर्ती, ये आपने मैंने देखा, ये टोटल जो कुल पद हैं 1384 पदों के लिए ये भर्ती आई हुई है। कुल 1384 पद हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर का पद है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आई हुई है ये 1384 पदों के लिए भर्ती। अब इसमें विषय के आधार पर रिक्तियों का वर्गीकरण कर दिया गया है, यानी अलग अलग विषयों पे जो 1384 पद हैं इनको बांट दिया गया। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से विषयों पर कौन कौन से पद हैं, सारी डिटेल्स देख लेते हैं। अंग्रेजी पद के लिए 130 पद किए गए हैं, भौतिक शास्त्र के लिए 116, राजनीतिक शास्त्र के लिए 59, हिंदी के लिए 50, गृह विज्ञान के लिए 9 और वाणिज्य के लिए 184, रसायन शास्त्र के लिए 150, गणित के लिए 99, अर्थशास्त्र के लिए 61। यानी कि जिस विषय से आपने कर लिया, मान ली अर्थशास्त्र किया तो आपको 61 पद मिले, तो आप जिस विषय से आपने क्वालिफाई किया है उस विषय का ये पद दिया हुआ है, इस तरह समझिए। तो वीडियो, अगर आपको ये लेटेस्ट जानकारी जो दी जा रही है अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा। इतिहास के लिए 56, वनस्पति शास्त्र के लिए 147, वाणी शास्त्र के लिए 125, भूगोल के लिए 52, समाज शास्त्र के लिए 36, टेक्नोलॉजी के लिए 1, सेरिकल्चर के लिए 3, भूगर्भ शास्त्र के लिए 5, मनोविज्ञान के लिए 8, कंप्यूटर साइंस के लिए 12, बायोटेक्नोलॉजी के लिए 6, कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए 20, विधि पद के लिए 32, संस्कृत के लिए 5, माइक्रोबायोलॉजी के लिए 8, बायोकेमिस्ट्री के लिए 01 और वानिकी पद के लिए 1, सूचना प्रौद्योगिकी पद के लिए 8। यानी कि टोटल ये 1384 पद हो गए। आपको मैंने जो भी बताया, ये सारे जो विषय हैं इन विषयों में इतने इतने पदों के लिए भर्ती आई हुई है, मैंने सेक्रेटरी में बताई। अब आप बात करते हैं योग्यता की, अब बात करते हैं योग्यता की कि आपको योग्यता क्या चाहिए। देखिए, सबसे पहले मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी संस्थान से अकादमिक रिकॉर्ड और न्यूनतम 55% ग्रेड के साथ संबंधित विषय में मास्टर डिग्री प्राप्त हो। यानी कि जो संबंधित विषय है उसमें 55% ग्रेड के साथ आपको मास्टर डिग्री प्राप्त हो किसी भी विषय से, ठीक है। दूसरे का पॉइंट है यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि नेट जिसे आप कहते हैं यूजीसी से, नेट राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली समकक्ष पात्रता परीक्षा स्लेट या सेट में भी आपको पास होना अनिवार्य है इसके लिए। अगला है यूसीजी 2019 में जारी नियमों के अनुसार पीएचडी डिग्री प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को नेट और स्लेट सेट से छूट प्राप्त की जाएगी। अगर आपने पीएचडी डिग्री प्राप्त कर रखी है इन विषयों पर तो आप स्लेट सेट और नेट में आपको छूट दी जाएगी, इनकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। अगला क्या पॉइंट दिया है, यूसीजी जिन विषयों में नेट स्लेट सेट का आयोजन नहीं करता है, जिन विषयों में, मैंने कुछ ऐसे में ऐसे भी सब विषय हैं जिसमें यूसीजी नेट स्लेट सेट का आयोजन नहीं करता है, उन विषयों में नेट स्लेट सेट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। मतलब कि अगर उन विषयों में नेट स्लेट सेट की मतलब नहीं कराया जाता है तो फिर उसमें आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। तो ये योग्यता है आपकी, चार पॉइंट्स दिए गए, चारों पॉइंट से संबंधित योग्यता आप देख लिए और समझ गए होंगे तो समझ लीजिए। अब बात करते हैं हम आयु सीमा की, कि आयु सीमा क्या मांगी गई है, तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष आपकी होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष। अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आप अगर 40 वर्ष के भी हैं तो भी आपको इसमें फॉर्म आप भर सकते हैं, अगर केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए 40 वर्ष है, बाकी सभी के लिए 21 से 30 वर्ष आयु है। अब बात कर लेते हैं वेतन की, वेतन मान की बात करते हैं तो 15,600 से आपको 39,100 रुपए तक दिया जाएगा मैक्सिमम, 15,600 रुपए से आपका शुरुआत और 39,100 रुपए तक आपको मैक्सिमम मिल सकता है। जो ग्रेड पे है वो 6,000 रुपए का है, इसका जो ग्रेड पे है वो 6,000 रुपए का है। चयन की प्रक्रिया कैसी होने वाली है, तो जो योग्य अभ्यर्थियों का चयन है
वो ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। इस प्रकार से आपकी चयन प्रक्रिया की जाएगी। अब परीक्षा का स्वरूप देख लेते हैं, किस प्रकार से होगा परीक्षा का स्वरूप इस भर्ती के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है ऑनलाइन परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगी। जो ऑनलाइन परीक्षा होगी उसमें बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें दो भागों में सामान्य ज्ञान और संबंधित विषय से सवाल पूछे जाएंगे। कुछ सामान्य ज्ञान होंगे और आपने जिस सब्जेक्ट के लिए भरा है उस सब्जेक्ट से संबंधित, उस विषय से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे। अब सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो 100 अंक का होगा। 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 अंक का होगा। और जो संबंधित विषय आपने भर रखा है वो 100 दिए जाएंगे उसके विषय के, और 100 विषय दिए जाएंगे और 200 अंक का होगा। 100 प्रश्न होंगे, 200 अंक का होगा, यानी कि एक प्रश्न आपका 2 अंक का होगा कुल मिलाकर, आप ये समझिए। ठीक है, तो 100-150 प्रश्नों में आपको 300 नंबर का होगा। ठीक है, ये 50 सामान्य ज्ञान होंगे, 100 आपका संबंधित विषय से लिया जाएगा। ये आपका हो गया परीक्षा। अब बात कर लेते हैं इंटरव्यू। तो परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को जो साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, साक्षात्कार के लिए 30 अंक तय किए गए। यानी कि जो परीक्षा में सफल हो जाएंगे अभ्यर्थी उनको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार 30 अंकों होगा, उसमें जितने अभ्यर्थी प्राप्त करेंगे इंटरव्यू के हिसाब से होगा 25-20, वो उनको उसमें अंत में फिर जोड़ा जाएगा और फिर बनेगी मेरिट। फिर उसके हिसाब से जो हाईएस्ट होंगे 384 अभ्यर्थी कैटेगरी वाइज उनको फिर लिया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं भैया आवेदन शुल्क कितना लिया जाएगा। तो 400 रुपए आपको आवेदन शुल्क देना है। जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं एससी ओबीसी एसटी और दिव्यांग, इनको 300 रुपए देना रहेगा। अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं और एससी एसटी ओबीसी से संबंधित हैं कैटेगरी से, तो आप 300 रुपए आपको देना पड़ेगा। बाकी सभी को 400 रुपए आपको देना पड़ेगा। शुल्क का भुगतान आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से आपको किया करना पड़ेगा। नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से भी आप कर सकते हैं। इन तीन आप उपयोग से आप पेमेंट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी जो महत्वपूर्ण तारीखें हैं। तो महत्वपूर्ण तारीख में आवेदन करने की जो अंतिम तारीख है वो 3 अप्रैल 2019 तक है। इस समय ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं, आप आवेदन कर सकते हैं 3 अप्रैल तक, इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद साइट क्लोज हो जाएगी। और आवेदन में अगर आप गलती हो जाती है, सुधार करना है, तो 6 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में आवेदन में सुधार किए जाएंगे। आप दोबारा से लॉग इन करके सुधार भी कर सकते हैं 6 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में, याद रखिएगा इस तारीख को। अब बात कर लेते हैं कहां से हमें करना है आवेदन। तो वो रही है वेबसाइट को कर लीजिए आप नोट, और इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा, www.psc.cg.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप कर सकते हैं भर्ती के लिए आवेदन। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा। अगर इससे अधिक और जानकारी के लिए, इसके लिंक के लिए, इसकी पीडीएफ फाइल के लिए, अगर सब अपडेट रहना चाहते हैं और भी नई नई भर्तियों की पीडीएफ फाइल के लिए, नोटिफिकेशन की पीडीएफ फाइल के लिए, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तुरंत उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लें। वहां से आपको और भी अच्छी अच्छी अपडेट देखने को मिलती रहेंगी। तो आज के इस वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आई तो वीडियो कर दीजिए तुरंत लाइक और अपने साथियों के साथ कर दीजिए शेयर। चैनल पर अगर आप आए हुए थे नए तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और दबा लीजिए बेल आइकन को इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी साथियों को जय हिंद।